सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, बड़े हर्षोल्लास के साथ आज मैं कुछ खास रूप से कहना चाहता हूँ पहले, और बात यह है कि हमारा सेबी शेयर एकेडमी का जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ, आज दुनिया के 16 कंट्रीज़ में 16 कंट्रीज़ में जा रहे हैं, और वहाँ से कुछ मतलब एक निवेदन है, कुछ मांगे हैं जो इससे संबंधित सेंसेक्स निफ्टी से संबंधित बातें हुई, और उनका एक ही कहना था या एक तरह से निवेदन था कि सर आप इसमें थोड़ा कुछ इंग्लिश भी बोलिए, कहीं कहीं मेरी हिंदी थोड़ा बड़े रूप में हो जाता है तो कुछ शब्द समझ में नहीं आता। तो इसके लिए दोस्तों मैं आज इसी वीडियो में अंतिम छोर पे थोड़ा सा कंक्लूडिंग रूप में यानी निष्कर्ष रूप में थोड़ा इंग्लिश रूप भी स्पॉन्टेनियसली एक नेचुरल रूप में स्वाभाविक रूप में मैं बोलने जा रहा हूँ, तो आपका विशेष ध्यान हो। चलिए, मैंने निफ्टी सेंसेक्स पर अपना व्यू देना शुरू किया था 11 नवंबर 2019 के दिन, और तब से मैंने लगातार देता गया अपना रिव्यू, और मेरे सारे वीडियो का आप बड़े ध्यान से देखिए तो आपको एक ही निष्कर्ष मिलेगा कि मेरा मार्केट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड ही रहा, और मार्केट भी पॉजिटिव ही चलता रहा। यानी उबड़ खाबड़ जमीन तो है सामने, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन कुल मिला के मार्केट ऊपर की तरफ ही रहा, ये वास्तविकताएं हैं। ये अगर आप मेरा कोई भी वीडियो सेंसेक्स और निफ्टी रिव्यू को आप जरा ध्यान से देखिए मेरा क्या कहना है उसमें। मैंने हर अपने वीडियो में खास रूप से कहा है कि मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर आएगा, और वो आता रहा। तो अब इस सप्ताह की बात देख लीजिए जो मैं इस तरह से कह रहा हूँ। मैंने पिछली बार भी यही कहा था कि मैं हर सप्ताह में एक दिन फ्राइडे के दिन इसके बारे में जरूर कहूँगा। तो दोस्तों देखिए, अभी आज ही देख लीजिए या पूरे सप्ताह में देख लीजिए, सोमवार से लेकर आज शुक्रवार हो गया, मार्केट का व्यू और रिव्यू आप खुद ही ध्यान से देखिए कि किसी दिन बढ़ा, किसी दिन नीचे होके अचानक बढ़ा, किसी दिन ऐसा लग रहा था अब बहुत नीचे जाएगा, किसी दिन ये लग रहा था कि अब निफ्टी पूरा बैडली नीचे जाने वाला है। तो ये मैंने अब पहले भी कहा है और आज भी कहता हूँ कि कभी भी जो आप सोचते हैं वैसा सेंसेक्स और निफ्टी नहीं चलता है। उसमें अपना एक अपना रूप है, स्वरूप है, जो बड़ा हैवी फंड आता है उसी हिसाब से कुछ न्यूज़ के ऊपर बातें हो जाती हैं। और अब देखिए मार्केट में कहीं ना कहीं हिडन न्यूज़ है, सरकार की तरफ से कोई बात है, विषय है, उसको ध्यान में रखकर ही आज ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव रहा। आज देख लीजिए मार्केट का, आप देखिए सेंसेक्स 41,009 टच किया और एग्जैक्टली 428 पॉइंट प्लस, और वहाँ निफ्टी भी देखिए तो 12,091 की तरफ और पॉजिटिव ट्रेंड, और 114 से 20 पॉइंट तक काफ़ी तेजी रहा, उसका भी पॉइंट प्लस। सो कुल मिलाकर देखा क्या गया है, देखा यही गया कि पूरे वीक में एवरेज देखिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, पूरे वीक के में एवरेज पॉजिटिव ही रहा। तो इन चीज़ों से ये जाहिर हो रहा है कि मंडे भी मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड मेंटेन करेगा। लेकिन जो अब शब्द मैं आगे का कहने जा रहा हूँ दोस्तों, उस पर विशेष ध्यान हो, जो मंडे अगर मार्केट ऊपर हुआ तो उसका आयु कितनी सीमा तक चलेगी, मंडे ट्यूसडे और मैक्सिमम वेडनेसडे, 2 से 3 दिन तक ही मार्केट कुछ ना कुछ ऊंचाई अगर रहा तो वो 2 और 3 दिन की ही आयु उसकी रहेगी, फिर बाद में मार्केट ठंडा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइंग फोर्स आया, पैसा लग गया मार्केट में, फ्यूलिंग ऑफ फंड जोरदार हुए, फिर बाद में पिक वाली, ये तो होना ही है स्वाभाविक। तो ये भी होगा आने वाले वीक में आप देखेंगे, और उस तरह से थोड़ा मार्केट फ्लैट भी रहेगा, वो भी चांसेस हैं, और किसी दिन अचानक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है हैवीली। तो यही मेरा कहना था दोस्तों खास रूप से सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में, और इसी तरह से मैं हर सप्ताह फ्राइडे के दिन थोड़ा सा कुछ कहूँगा जरूर निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। जैसे आपकी इच्छा है सुनने की, वैसे मेरी इच्छा है आपसे इस बारे में कुछ बताने की। सो दैट्स इट माय फ्रेंड्स, वंस अगेन लेट मी जस्ट से द वर्ड्स ऑफ माइंड, जस्ट हैविंग गॉन थ्रू द एंटायर वीक, इफ यू जस्ट सी
exactly right from Monday to Friday, the market has been on the bumpy road. It has been just making all the efforts to just make the new height only. But anyhow, it has been ups and down, as the part of volatility has been also be there in that, no doubt about it. And simultaneously, the market has been trying to make all its effort to touch to the new height, which has done it today itself. Almost, I can say the right word. And likewise, as you see that, if you see my first video, that is 11th of November onwards, I have been saying positively about the market. Sensex Nifty has been on a positive note of mine, which I have been saying right from 11th of November onwards. So my concluding words towards the Nifty and Sensex is only one, that it may remain bullish on Monday, Tuesday or maximum Wednesday, but thereafter the market may go under the volatility term, or it may remain lackluster or maybe very flat. Depends upon the market scenario, and maybe there are the chances there may be a profit booking also. This is my word for the coming week, as I have told you right now. That's all my friends. See you again and again. चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं.